आज मैं बना रही हूँ दम आलू। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में आप डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे क्यूब साइज में कटा हुआ आलू। आलू को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आलू ऊपर से थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक बहुत अच्छे से मिला लेंगे। फिर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन खोल के बीच बीच में चलाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो आलू है ये जल सकता है। देखिए हमारा जो आलू है ये फ्राई हो चुका है। हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। फिर रिफाइन ऑयल को एक बर्तन में डाल लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे सरसों के तेल। हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, सूखा लाल मिर्च। फिर इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को इसलिए हम डाल रहे हैं, चीनी कैरामलाइज होने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। फिर हम इसमें डालेंगे जूलियन साइज में कटे हुए प्याज। प्याज को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो प्याज है फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक की पेस्ट। जो मार्केट में बहुत ही अवेलेबल है, पाउडर मसाला बहुत जल्दी से जल जाते हैं, इसीलिए मैंने पानी में घोल के इसको डाल दिया है। इसको भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। हम इसमें डालेंगे दही। मैंने यह खट्टा दही लिया है और इसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। दही को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। दही को हम कुछ देर तक फ्राई करेंगे। दही को बहुत अच्छे से फ्राई करने से क्या होता है, इसका जो स्मेल होता है ये चला जाता है। दही है ये फ्राई हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ आलू। आलू को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर इसका ढक्कन लगा देंगे। आलू को बीच बीच में चलाना पड़ेगा ढक्कन हटा के। आलू का जो मसाला है नीचे से जल सकता है। ग्रेवी पसंद है वो इसमें पानी डाल सकता है।
थोड़ा सा ग्रेवी पसंद है, तो इसीलिए मैंने सूखा सूखा नहीं बनाए थे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जितना हमें चाहिए उसी के हिसाब से। बॉयल होने के बाद और ग्रेवी जब तक ठीक ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारा आलू भी बॉयल हो चुका है और ग्रेवी भी ठीक हो चुका है, तो फिर हम इसको एक प्लेट में सेट कर देंगे। आलू दम को आप किसी के साथ भी परोस सकते हैं, जैसे कि फ्राइड राइस, पूरी, पराठा, रोटी, नान, चपाती